प्लीज एन वेलकम टू द वन एंड ओनली जया किशोरी जी इनकी स्माइल में इतनी पॉजिटिविटी है आई थिंक इनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है अगर ये पूरे सेशन में यहाँ पर सिर्फ बैठ करके स्माइल करती रहे तो आई थिंक ये सेशन बहुत अच्छा हो जाएगा

यूट्यूब पे या इंटरनेट पे देखना एक अलग होता है और जब आप फिजिकली वो चीज़ को फील कर सकते हैं एक और होता है एक वाइब होता है वो आपको फेस टू फेस ही मिल सकता है तो आप सब बहुत लकी है आज मैं भी लकी हूँ <laughs> कि मुझे वो और वो वाइब महसूस करने को मिल रहा है जो हम यूट्यूब पे ऑल टाइम देखते रहते हैं और आज तो आप डबल लकी है क्योंकि मेरे साथ साथ आपको इनको भी सुनने का मौका मिल रहा है आपके मन में जो भी क्वेश्चन है जैसे भी क्वेश्चन है आप इनसे पूछ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग विद दिस अपॉर्चुनिटी आई वॉन्ट टू आस्क यू की लाइक आपने ये क्यों चूज़ किया कि यू वॉन्ट टू गो इन टू स्पिरिचुअलिटी कि मुझे इस चीज़ में ही जाना है टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने चूज नहीं किया था इस uh, स्थान ने मुझे चूज़ किया था क्योंकि मैंने शुरुआत छः साल की उम्र से की थी में आपको पता ही नहीं होता है कि करियर क्या होता है काम क्या होता है तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं था मेरे सामने चीज़ें आती गई मुझे अच्छी लगती गई और मैं करती गई और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखता इससे मेरा फ़ायदा होगा या उसको अच्छी लगती है चीज़ और वो करता है तो मैंने वो बचपने में मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और मैंने उसको किया और फिर अपने आप ही सामने चीज़ें आती गई चाहे फिर वो भजन आए फिर कथा आई मोटिवेशनल सेशंस आए जो जो सामने आता गया और जो जो मुझे लगा कि मेरे बस की बात है मैं कर सकती हूँ वो मैंने किया और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब सिचुएशन कहाँ हो गई जब मुझे समझने का मौका मिला कि चलो कुछ बनते हैं मैं ऑलरेडी बन चुकी थी <laughs> Uh, मेरा क्वेश्चन कंसंट्रेशन पावर को लेके है या दूसरी तरह से बोल सकते हैं अवेयरनेस को लेके जैसे uh, किसी भी काम पे जो ध्यान लगाने की कैपेबिलिटी होती है वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन मुझे पूछना था क्या कोई इसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है या सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि, कि किसी की प्रैक्टिस थोड़ी कम है और किसी की ज़्यादा कई ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो जो मैं एक्सरसाइज़ फ़ॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है कि मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कुछ देर फाइव मिनट्स टेन मिनट्स में बिल्कुल शांत माहौल में और मैं साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपको पाँच से ज़्यादा साउंड सुनने लग जाए और पाँच का मतलब हुआ ऐसा नहीं कि आपके घर में टीवी और मिक्सी और सब चल रहा है तो आप कह के अरे भाई पाँच साउंड सुनाए दे दिए नहीं जब शांति हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए तो आप ऐसे कॉन्सेंट्रेशन पार के एक्सरसाइज होती कर सकते हैं और जो मैं करती हूँ मैंने आपको बताया मैं रोज़ करती हूँ अभी तक मैं तीन से आगे बढ़ी नहीं हूँ लेकिन आई होप जल्दी पाँच आवाज़ों से ज़्यादा सुनाई देने लग जाए बचपन से जो आपने किया अभी तक वो तो मैटर करता ही है फॉर एग्जाम्पल अगर आप बचपन से ही सिर्फ कंप्यूटर पर ही अपना टाइम पास कर रहे हो या मोबाइल पे जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो पैसिव वे में तो अच्छी होगी यानी कि अगर कोई कॉन्टेंट है उसको आप कंज्यूम कर रहे हो तब तो आपका माइंड वहां पर लग जाएगा लेकिन जब खुद ध्यान लगाने की बारी आएगी तो आप नहीं लगा पाओगे एक्टिव कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे और, चाहे, चाहे, और जब चाहे वहां से ध्यान हटा सके। इसी को कहेंगे ना कि में जो ध्यान है, वो आपके कंट्रोल में है नहीं तो इतना कुछ है इस दुनिया में वो तो सब खींचने के लिए तैयार बैठे हैं आपके ध्यान को आपकी अटेंशन को अगर फाइनेंशियली बात करी जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो आपकी अटेंशन की है जितनी भी हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंशन अगर आपकी अटेंशन आपके हाथ से निकल जाती है और उनके हाथ में चली जाती है तो वो हो जाएगा जो वो चाहते हैं यानी उनको प्रॉफिट हो जाएगा आपको नुकसान होता है हो जाए तो अब सवाल उठता है उसको कैसे बढ़ाया जाए चेस बहुत अच्छा तरीका है उसको बढ़ाने का स्पोर्ट्स से आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है जैसे मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है तो बैडमिंटन में सारा ध्यान कहां पर होता है शटल के ऊपर और कोई थॉट माइंड में आ ही नहीं सकता क्योंकि अगर वो आया तो शटल से आपका ध्यान हट गया आप हार जाओगे तो स्पोर्ट्स इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया लिसनिंग अगेन वेरी पावरफुल बहुत बहुत तरह की sounds है, बहुत तरह की की है है इस यूनिवर्स में बट हमारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ कुछ ग्रॉस है कुछ सटल है तो जैसे जैसे हम सटल जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी वाइब्रेशन हमारी पकड़ में आती है जो नॉर्मली लोगों की पकड़ में नहीं आ पाती है क्यों क्योंकि उनका ध्यान दो जगह पे होता है या तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वहां पे होता है या फिर अंदर जो थॉट चल रहे होते हैं वहां पे होता है इसके अलावा और कहीं नहीं होता है तो उन वाइब्रेशंस को सुनने के लिए हमको कानों की भी जरूरत नहीं है इवन विदाउट योर यर्स अपने कान बंद करके भी आप सुन सकते हो उन साउंड्स को। तो शुरुआत वहां से करो धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो ध्यान है वो आपकी पकड़ में आने लग जाएगा मेरा क्वेश्चन आपसे मतलब दोनों से ही है वो ये कि हम लोग मतलब आज की सोशल मीडिया वाला जमाना है तो हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है फैमिली में फ्रेंड्स में तो सभी ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल अभी होने की ज़रूरत नहीं है करियर पे ध्यान दो अभी कौन सा टाइम है बाद में देख लेना और हम लोगों के घरों में भी हम देखते हैं तो मैम ये चीज़ कैसे मतलब उनको कैसे समझाई जाए कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है मेरे हिसाब से और आई थिंक मेरे क्या पूरी दुनिया के हिसाब से जो भी स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझता है ये यंग एज प्रोसेस ही है जैसे अगर आप रिलीजियस वे में भी सुने तो भगवान को हम कुछ भी चढ़ाते हैं वो फ्रेश होता है प्रसाद है फूल है कुछ भी एक दिन दो दिन पहले नहीं होता तुम खुद इतने पुराने होके क्यों फिर अपने आप को चढ़ाते हैं जब आप रिजिड हो चुके हैं जब आपको आगे कुछ काम खास करना नहीं है आप रिटायर हो चुके हैं तब आप उस स्पिरिचुअलिटी का करेंगे क्या आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस होंगे ही नहीं जब सामना करने के लिए तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता मंत्र जैसा मैंने लिसनिंग एक्सरसाइज बताई वैसे ही मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं मेडिटेशन में क्योंकि जो पावर जो वाइब्रेशंस वो साउंड रखते हैं वो आई थिंक दुनिया में और कहीं नहीं है तो वो आपके करियर के लिए कॉन्सेंट्रेशन पावर के लिए कॉन्फिडेंस के लिए मेमोरी पावर के लिए सबके लिए बहुत अच्छा है तो आपको यही समझाना है कि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक तो पहले ये पर्सपेक्टिव हटा दें कि हम सब त्याग देंगे हम सब छोड़ देंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता गीता जी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसको दिया गया है जिसको आगे जाके राजा बनना है अर्जुन को उसके पास क्या लग्जरी नहीं है राज्य नहीं है पैसा नहीं है क्या नहीं है तो अध्यात्म का मतलब कभी भी नहीं होता सब कुछ छोड़ देना सबके बीच रहना है पर इस तरीके से रहना है कि वो आप पर हावी ना हों हर चीज यही आध्यात्म है यही स्पिरिचुअलिटी है कि बाहर की चीजें यहां ट्रबल ना कर सके बस इतना ही करना है अर्जुन कह रहा है कि क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं और भगवान कृष्ण उसको क्या बोल रहे हैं कि अभी जो तुम्हें करना है उस पर ध्यान दो सब कुछ छोड़ना सोल्यूशन नहीं है खुद को पहचानो कि तुम क्या हो जो प्रॉब्लम की पूरी की पूरी जड़ थी वहां पर वो ये थी कि अर्जुन भूल गया था कुछ देर के लिए कि वो एक्चुअल में कौन है जैसे हम भूल जाते हैं तो भगवान उसको याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि तुम एक योद्धा हो तुम्हारा काम है लड़ना धर्म के लिए तो भगवान उसको वो ज्ञान दे रहे हैं ऐसे ही अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका काम क्या है पढ़ाई करना अब आपको देखना है कि उसमें ये जो बातें हैं इनकी बातें मेरी बातें या कहीं भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स में बातें हैं वो किस तरह से आपको काम आ सकती है वो करने में जो अभी आपकी लाइफ की इस स्टेज में इस पॉइंट पर आपके लिए करना सबसे इंपॉर्टेंट है तो स्पिरिचुअलिटी दो तरीके की हो गई एक वो जो आपको भटका रही है यानी कि वो लोग जो खुद अच्छे से नहीं समझ पाए स्क्रिप्चर्स को वो आपको क्या कहेंगे कि सब कुछ छोड़ दो और दूसरे वो जो एक्चुअल में समझ गए हैं कि क्या बात करी जा रही है तो वो आपको क्या कहेंगे कि जो भी कर रहे हो उसको करो अच्छे से करो पूरे ध्यान से करो पूरी ईमानदारी से करो उसमें कोई कमी मत छोड़ो क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी लाइफ में आगे कुछ भी करने के लिए अगर आज आप अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहे तो कल अगर स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई इंक्वायरी करनी है स्क्रिप्चर्स को समझना है क्या वो आप ईमानदारी से कर पाओगे आप अगर अपना काम ठीक से कर रहे हैं आपके इंटेंशंस अच्छे हैं आप ऑनेस्ट हैं आप पेशेंस रख रहे हैं आप स्पिरिचुअल हैं तो इसीलिए आपको बस अपना काम जो उन्होंने सही कहा एकदम ठीक से ईमानदारी से करना है क्योंकि अगर यहाँ ईमानदार नहीं क्योंकि जो आपका काम है तो फिर कहीं और तो ईमानदारी की फिर बात ही क्या कर सकते हैं हम मैम मेरा आप आप दोनों से ही है मेरा क्वेश्चन कि रियल फ्रेंडशिप का एसेंस आज खोते जा रहा है हम सैटरडे संडे को पार्टी तो कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ लेकिन जब रियल फ्रेंडशिप का टेस्ट होता है तो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स फेल हो जाते हैं और हम भी फेल हो जाते हैं उसमें अपने दोस्तों हम ये तो भूल जाते हैं कि वो हमारे दोस्त नहीं है अच्छे तो हम भी तो नहीं है तो ये चीज़ हम रियल फ्रेंडशिप को आज कैसे वापस उसके एसेंस को रीजनरेट करें और ख़ुद भी दूसरों के अच्छे दोस्त बने दोस्ती बहुत बहुत ज़रूरी होती है और इस पर भी मेरा एक छोटा सा वीडियो है कि आप फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें या वही जो क्वालिटीज़ है वो ख़ुद में भी कैसे लाए तो सबसे पहली क्वालिटी यही है कि हम जो सिर्फ सैटरडे संडे जिन दोस्तों से पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते हैं वो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए आपको मस्ती करना है मजा करना है तो आप मिल रहे हो लेकिन एक्चुअल जो आपके दोस्त होते हैं ना वो आपको भी सिखाते हैं आप उनको भी सिखाते हैं वो आपके साथ ग्रो करते हैं और जैसा आपने कहा एसेंस जैसे मैं आ, मेरे पेरेंट्स के जो दोस्त हैं सालों से एक के दुक्के हैं लेकिन अभी तक है और अभी भी हम कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो उनसे तो वो कहते हैं हमारे दोस्तों को अपने दोस्तों जैसा समझ समझना कि हम एक दो बोल देंगे या एक दो चीज़ें हो जाएंगी और हमारी दोस्ती टूट जाएगी हमारी दोस्ती इस चीज़ पर नहीं बनी है वो अगर महीनों भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं या एक साल तक भी उन्होंने बात नहीं की है वो एक साल बाद भी फ़ोन करते तो वो वैसे ही होते जैसे वो एक साल पहले थे जहाँ उनकी बात छूटी थी बिल्कुल वैसे तो सबसे पहली चीज़ की कि यही कि ज़रूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक इंटरवल में मिलना है तभी आपकी दोस्ती कायम रह सकती है क्योंकि अब अब लोग आगे बढ़ रहे हैं बिजी हो रहे हैं काम कर रहे हैं दूसरे शहरों में पढ़ने जा रहे हैं अगर आपकी दोस्ती सिर्फ मिलने मिलाने से और मस्ती करने से तो वो दोस्ती नहीं है तो ये सबसे पहली चीज़ है कि जो आपको आपके सिचुएशन को समझे वाइस ऑफ वर्षा आप उसके सिचुएशन को समझिए कि दोस्ती है पर जिंदगी भी है काम भी है मेहनत भी है परिवार भी है सबसे बड़ी तपस्या सबसे बड़ा तप मैं कहती हूँ गृहस्थ जीवन ही है मैं Thank आप you for the the compliment. <laughs> उसमें आपको इतना कुछ करना पड़ता है वो एक सिचुएशन को समझना जरूरी है दूसरा आजकल जो एक ट्रेंड बन चुका है कि फ्रेंड सपोर्टिव होने चाहिए तो सपोर्टिव का मतलब ये नहीं कि तुम गलत भी करो तो जो कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती थी कि नहीं भाई पाप भी कर मार गलत कर मैं तो साथ खड़ा हूँ ये, ये पॉइंट बोला है अभी इसके बारे में मैं बात ये दोस्त नहीं होते हैं दोस्त आपको आपके पास खड़े रहेंगे सपोर्ट में लेकिन ये हर वक्त बताएंगे कि तुम गलत हो तुम गलत कर रहे हो इसकी सजा मिलेगी तो ये सच्चे दोस्त होते हैं तो आप या तो कहते हैं ना कृष्ण जैसे दोस्त बनो खुद ही बनो बात यही आती कृष्ण जैसे ढूंढने से पहले कृष्ण जैसे दोस्त बनो कि जो हर वक्त बताने कृष्ण कभी अलग नहीं हुए अर्जुन से जब वो कहने लगा कि मैं नहीं लड़ सकता ये नहीं उन्होंने उस वक्त बहुत डांटा कि क्षत्रिय है ये तरीका है बात करने का ऐसे बोलते हैं तो इतना बड़ा महाबाहु है बड़े बड़े नाम बताए याद दिलाया कि तुम कितने अच्छे हो तो सबसे बड़ा दोस्त का आई थिंक क्वालिटी यही है जो सपोर्टिव है लेकिन गलत चीज़ों में नहीं है वो हर वक्त सही के लिए आपके पास खड़े हैं और तीसरा जो मैं सबसे अच्छा कहती हूँ कि आपकी और उनकी मैंटालिटी मैच होनी चाहिए आपको ये समझना है कि अगर मेंटेलिटी एक नहीं होगी तो भले ही आप अपने पेरेंट्स को कितना ही कह ले कि हम कुछ नहीं करेंगे अरे हम तो सिर्फ घूम रहे हैं अरे हम वैसा कुछ नहीं करेंगे करोगे एक ना एक दिन ज़रूर करोगे क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है आप जिसके साथ जाद ज़्यादा समय बिताते हो धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज कुछ आपके अंदर आती है तो ज़रूरी है कि वो बिहेवियर वो पैटर्न वो मैंटेलिटी वो माइंडसेट मैच होनी चाहिए दोनों की तभी आप एक साथ ग्रो कर सकते वरना वही सैटरडे संडे मिलना और जिंदगी खराब करना यही हो पाएगा बस एक्सीलेंट ये समझना इतना नहीं है कि दोस्ती क्या है।, ये important है कि दोस्ती क्या नहीं है अगर आपका जो दोस्त है वो कुछ गलत कर रहा है तो उसका साथ देना दोस्ती नहीं है क्योंकि अगर आप गलत में भी उसका साथ दोगे तो वो और पावरफुल हो जाएगा वो और बड़ा गलत काम करेगा मानो आपका दोस्त पी करके गाड़ी चला रहा है तो दोस्ती ये नहीं है कि उसको बोलना कि हाँ चल कर 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 कोई नहीं और बड़ा और बड़ा और बड़ा नहीं उस वक्त क्या बोलना गाड़ी रोक में उतर रहा हूं अब उसके बाद आपका क्या होगा वो बाद में देखेंगे <laughs> वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ उतारा उसने <laughs> जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया दुर्योधन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना ऐसे लोगों से दूर रहो ये दोस्ती है दोस्ती को तोड़ देना दोस्ती होता है बहुत बार कई बार लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है जो एक धर्म संकट के जैसा होता है जहां पर जाकर के आपको साफ नजर आ रहा होता है कि ये जो इंसान है ये सिर्फ अपना ही नहीं मेरा भी सर्वनाश कर देगा ऐसे लोगों को छोड़ देना दोस्ती है फिर अगर उसके अंदर इंसानियत वापस से जागती है तो वापस से वो अगर आपके पास में आता है तो ठीक है नहीं आता है तो कोई बात नहीं छोड़ दो ऐसे दोस्त को तो बड़े ध्यान से चुनना अपने जो दोस्त है जो इन्होंने कहा संगति बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में इसीलिए पहले के जमाने में सत्संग की इतनी वैल्यू होती थी हर घर में एक सत्संग हॉल होता था एक जमाने में आज जैसे हम सत्संग का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में कुछ और ही आने लग जाता है सत्संग मतलब सत्य के संग सत्य मतलब वही जो इन्होंने कहा कि जब कोई सही रास्ते पे चल रहा है तो उसका साथ देना और कोई झूठ के रास्ते पे चल रहा है कोई गलत काम कर रहा है तो उसका साथ छोड़ देना तो सत्य के साथ रहना वो लोग जो सत्य बोलते हैं वो लोग जो सत्य की राह पे चल रहे हैं वो लोग जो धर्म की राह पे चल रहे हैं ये वर्ड सुनने में आपको थोड़े से पुराने लगेंगे लेकिन अगर इसकी डेप्थ को आप समझोगे तो अंदर से आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ किस लेवल से बोल रहा हूँ हेलो सर हेलो मैम मैम मतलब कई बार हम सुनते भी हैं बहुत जगह देखते हैं और कई बार बहुत बार हम पढ़ते भी हैं मैम मुझे ये पूछना है कि मैम भक्ति क्या है मतलब भक्ति क्या होती है आज ये ज़माना अलग हो गया है कि भगवान से भी लेन देन का मामला चल रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो तो ये हो जाएगा और काम एक भी नहीं हुआ तो भगवान बदल ले कि वही कहीं और माथा टेकते हैं यहाँ तो काम हो नहीं रहा तो ये भक्ति नहीं होती तो एक तो जो परसेप्शन भक्ति का बन गया है कि भजन कीर्तन पूजा पाठ कर लिया और भक्ति हो गई भक्ति का असल मीनिंग है सरेंडर समर्पण और समर्पण व्यक्ति कब करता है जब पहला चीज़ विश्वास होता है कि वो जो भी करता है वो सही करता है मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते या कोई आपने सब कुछ देखा है चाहे स्ट्रगल है इंसल्ट है रिजेक्शन है हर फील्ड में हर चीज़ होती है अगर आप आगे बढ़ रहे हैं कोई पोजिशन पे जाने की कोशिश कर तो आपको इनका सामना करना पड़ेगा ये जिंदगी के साथ आता है तो आपको सामना लेकिन मुझे कभी दिक्कत नहीं दी ये चीज़ें क्यों क्योंकि जो मैंने कहा समर्पण मुझे पता है कि एक ऐसी शक्ति ऊपर बैठी है जो मेरा बुरा नहीं चाहती तो कई बार बुरी चीजें भी मेरी जिंदगी में हो रही है मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए है क्योंकि वो कर रहा है तो ये समर्पण ये भक्ति है तो ये आपको हारने नहीं देती क्यों हारेंगे आप क्योंकि आपको पता है ना कि वो हारने देगा नहीं तो आप अपने आप आप गिरे आप फिर उठेंगे कि नहीं भाई अभी गिरना शायद ज़रूरी होगा उसका इशारा है इसीलिए चलो फिर उठते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन ने भी जब समर्पण की बात गीता जी में आती है तो कई लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है अंधविश्वास नहीं क्योंकि अगर अंधविश्वास होता अंधविश्वास में क्वेश्चन करना अलाउड नहीं होता आपको गीता अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो दो पन्ने में खत्म हो गई होती ये दोनों के बीच की बात है जिसमें अर्जुन ये जानते हुए कि सामने कौन खड़ा है क्वेश्चन करने के तो कोई सवाल ही नहीं था वहां पर कि भगवान लड़ने बोल रहा है क्या क्वेश्चन करना पर उसने कंटिन्यूसली क्वेश्चन किए हैं पर उसका भी नाम आया था समर्पण कि वो समर्पित होकर क्वेश्चन कर रहा था कि ये जो खड़ा है ये मेरे हर सवाल का जवाब जानता है ये मुझसे कभी कुछ गलत काम नहीं कराएगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिज्ञासा बाहर नहीं निकालूंगा मैं अपने क्वेश्चन पूछूंगा तो भक्ति का अर्थ यही होता है कि पहला निष्काम होता है क्या फायदा मत ढूंढी कि मेरा काम नहीं हुआ तो भगवान है ही नहीं भाई भगवान कहाँ भगवान होते तो ऐसा होता क्या वो तो इंसान है इसीलिए ऐसे हो रहे काम भगवान ने तो सबको देखे बच्चा तो मासूम ही होता है बड़े होके खराब हो जाता है कोई बच्चा गलत आपने देखा है क्या छोटा सा बच्चा ही डॉन बनने के बारे में सोच रहा है वो तो बच्चा ही होता है मासूम होता है सच्चा होता है तो भगवान इसलिए कहते बच्चे भगवान का रूप है क्योंकि तो वो एकदम प्योर होते हैं बड़े होने के बाद हम काम खराब करते हैं और नाम फिर हम भगवान का देते हैं क्योंकि हमको इल्जाम लगाने के लिए लोग चाहिए ये फेलियर्स के लिए भी आप फेलियर्स के लिए भी हम कहते हैं मेरा काम अच्छा नहीं था मेरा समय अच्छा नहीं था मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया मेरे पास ये नहीं था वरना अगर देखा जाए इन्हीं सिचुएशन में कई लोग हैं जो काम करके आगे बढ़ जाते हैं तो करने वाला तो कर लेगा नहीं करने वाला इल्जाम लगाएगा तो वो इल्जाम अभी हमें ऐसे दिखता है एक ऐसा कोई है जो सामने तो खड़ा नहीं है भगवान लगाओ इल्जाम एक फोटो है ना इंटरनेट पे कि भगवान खड़े छोटी बच्ची खड़ी है छोटी बच्ची के हाथ में एक टेडीवेयर है तो भगवान वो मांग रहे हैं और वो बच्ची बुरी मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे नहीं देना उसको नहीं पता कि भगवान के पास पीछे एक बड़ा सा टेडी टेडीबैर रखा है और भगवान उसको कह रहे हैं कि बस दे दो और मुझ पर विश्वास रखो कि वो दे दो छोटी चीज़ जो तुमसे आपको वो बुरी लग रही है उस वक्त कि मेरे साथ गलत हो गया या मेरा छोटा काम नहीं हुआ मैंने तो इतनी पूजा की थी इतना काम किया था शायद तुम उस काम के लिए नहीं बने हो तुम और बड़े चीज़ के लिए बने हो तो निष्काम क्या है कि आपकी भक्ति निष्काम है स्वार्थ से नहीं बनी है तो भक्ति आगे बढ़ेगी दूसरा सरेंडर कि मेरे हर सवाल का उत्तर सिर्फ उसके पास है तो ये दो चीजें भक्ति बना मेरा मन कर रहा है कि मैं बैठ करके बस आराम से आपको सुनता रहूं मेरे को इतना अच्छा लग रहा है आप प्लीज थोड़ा सा और बोलिए इसके बारे में भक्ति के बारे में मुझे सही में बहुत कितने लोग चाहते हैं कि थोड़ा और बोले हाँ क्योंकि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता इसके बारे में बोलने के लिए मेरे को पता है आपके पास में और बहुत कुछ है बोलने के लिए थोड़ा सा आप प्लीज और बोलिए ये दो चीजें जो भक्ति में तीसरा हम जब करते हैं सत्संग जो उन्होंने कहा सत्संग का एक सत्य के संग तो सत्य कौन है जब हम शास्त्रों में देखते हैं सबसे पहला श्लोक जो श्रीमद भागवत में आता है वो भगवान का स्वरूप बता रहा है उसमें है सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद का मतलब होता है तीन चीजें मिलकर बनती है वो है सत सच्चित और आनंद जो ये तीन चीज़ों को जीवन में समझ लेगा सही से उसने भगवान को समझ लिया क्योंकि भगवान का रूप ही सच्चिदानंद है तो सबसे पहला है सच जो कहा गया सच की राह पर चलो जो हम ये एक्चुअली आपने एग्जैक्ट वर्ड उस वक्त बोले मैं अपनी कथा में भी कहती हूँ कि आजकल हम इतनी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं और हम घर से भी नहीं निकला अरे पाँच मिनट अरे सिग्नल पे खड़ा हूँ अरे बस पहुँच गया अरे क्या हो गया वो दो बातें तो सुनाएगा ना सिर्फ कि तुम समय लेकर नहीं आए पर हम इतनी इतनी सी बातों में झूठ बोल रहे हैं ये हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतना भी सच का सामना नहीं कर सकते और फिर हमें लगता है कि हम लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना कर लेंगे खुद के सच का तो सामना कर नहीं पा रहे हैं जिंदगी का सच सामने आएगा तब तो बैंड ही बढ़ जाएगी पूरी क्योंकि वो कठिन है जिंदगी आसान नहीं है किसी के लिए नहीं भगवान के लिए भी नहीं हुई आप राम जी को उठाइए कृष्ण जी को उठाइए जब तक यहां रहे कोई सुखी नहीं रहा सुखी तो कोई नहीं रहा यहाँ पर आपको सुख खुद ढूंढना पड़ता है आपको अपना जीवन खुद निकालना पड़ता है अपने चॉइसेस को लेकर तो इसीलिए पहला सत है दूसरा चित है अवेयरनेस हम अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर हम इग्नोर करते हैं अवेयरनेस और इग्नोरेंस ये ऑपोजिट्स हो गए कि आप कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है नहीं है मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजन्स नहीं होते कि क्यों नहीं मानते बस नहीं है दिखा नहीं मुझे नहीं दिखा तो नहीं है तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही मेरे पापा इस पर मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था <laughs> देखा तो नहीं होगा सुना है दादा से सुना है पापा से सुना है कि थे मैंने तो नहीं देखा तो मैं बोल दू वो थे ही नहीं कुछ तो सच्चाई होगी उसको ढूंढने की कोशिश करो मैं धर्म के लिए हमेशा कहती हूं कि आपको ढूंढना पड़ेगा भगवान मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी भगवान मानने की चीज है जानने की नहीं जानना क्या होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें पहले देखेंगे है कि नहीं है फिर बताएंगे तो वो तो भगवान हो गए देख मैं भी घुमाता हूं <laughs> वो भगवान है भाई उनको अगर आप बोलोगे कि मेरे सामने आ मुझे दिखा तू है कि नहीं तो बोलेंगे घूम नहीं दिखाता कभी नहीं हूं नहीं, तो भगवान मानने की चीज है मानो वो वो अपने आप जना देंगे वो कहां है तो भगवान के लिए कि पहले आपको मानना पड़ता है दैट इज सरेंडर कि मैं मानता हूँ मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ अधिकतर लोग अभी पढ़ क्यों रहे हैं जान क्यों रहे गलत साबित करने के लिए और दुनिया के लिए भी आप किसी भी चीज को जानने की कोशिश कर रहे हो तो सिर्फ एक खाली दिमाग से जानने की कोशिश करो अपने दिमाग से नहीं कि मुझे गलत साबित करना इसीलिए पढ़ता हूँ चलो तो फिर आपका दिमाग सीधा उस गलत बात पे ही जाएगा कि देखो मैंने तो बोला ही था गलत है और उसके आसपास कितनी अच्छी बातें लिखी होगी आप देखेंगे नहीं पर आपको जो बस साबित करना है आप उस लोग सुनते भी आजकल इसीलिए हैं मैं कथा में एक बात कहती कि उस आजकल कथा ही बची है सुनने वाली चीज़ वरना आप कहीं भी दो लोगों को देखिए वो वो बोलेगा मैं बोलता हूँ नहीं नहीं मैं बोलता हूँ नहीं नहीं मैं बोलता हूँ दुख देखिए किसी के प्रॉब्लम्स को एक बोलता रे मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चले बोता रहे मेरी उससे भी खराब है आप किसी से मदद भी कहाँ मांगेंगे कि वो एक दुख सुनाओ वो चार सुनाता है तो क्या ही मदद मांगे कि तो मेरे से दुखी तुम तो मेरे, तो मेरे से और पाँच सौ रुपये रख भाई ये तो, तो लोग हर वक्त कोई सुनना नहीं चाह रहा और सुन भी रहे हैं तो इसीलिए कि ताकि बस मैं बोल सकूं कि ये खत्म करे बस जल्दी से चुप हो ताकि मैं बोलूँ तो ये बंद करिए भगवान ने अर्जुन की पहले पूरी बात सुनी थी एक बार भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया उसकी पूरी बात सुनी क्यों तभी वो आंसर ठीक से कर पाएंगे अगर आप बीच में हर चीज़ में इंटरप्ट करेंगे लोगों के ओपिनियंस में इंटरप्ट करेंगे तो आप उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे क्योंकि बोलोगे तो वही जो आता है पर सुनोगे तो कई बार ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो नहीं पता जो नहीं आता है तो सत्संग यही है आप लोग एक काम करो अपना मोबाइल ऑन करो और अपने घर पे फोन कर दो कि शाम तक हम यहीं बैठे हैं मतलब मेरा मन तो नहीं है यहाँ से आज उठने का मेरा मन है आराम से बैठ करके इनसे सुनने का मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इनके पास में इतना टाइम होगा या नहीं होगा <laughs> आप प्लीज आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया नहीं लिए नहीं बिल्कुल तो छोटी छोटी बातें हैं देखिए और आनंद का मतलब एक्चुअली परमानेंट हैप्पीनेस होता है जो आपको भगवान के साथ ही मिलता है क्या कि आपको किसी की जरूरत नहीं है बाकी सब कुछ टेम्पररी है और टेम्पररी खुशियों के लिए भगवान ने अर्जुन को लड़ने के लिए इसलिए नहीं बोला था कि तुझो राज्य मिल जाएगा खुशी मिलेगी पैसा मिल जाएगा नहीं एक पर्मानेंट हैप्पीनेस थी कि मैंने अपना काम अच्छे से किया उसके लिए लड़ो तो जो भी काम कर रहे हो पर्मानेंट क्या है उसमें वो देखो और ये आपकी सक्सेस पे भी काम आता है भगवान जैसे अब हम कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ सच नहीं है संसार सच नहीं है इसका मतलब क्या है छोड़ने के लिए नहीं क्या पहली चीज जब दुख आ रहा है तो डिप्रेशन में मत जाओ क्योंकि आप जानते हो ये भी परमानेंट नहीं है टेम्पररी है कल फिर ठीक हो जाएगा खुशी आ रही है तो घमंड मत करो ये भी निकल जाएगा ये पोजीशन भी ज़्यादा समय तक रहेगी नहीं तो उसको रखने के लिए काम करते रहो तो भगवान हर चीज़ में कहते बैलेंस्ड रहो और परमानेंट वो है उसके पीछे भागो तो आप अपने आप ही जो दिखावे की दुनिया है करते हम सब है और सब कुछ करना चाहिए लाइफ में सब इन्जॉय करिए पर अगर उसको जानते हुए करोगे कि परमानेंट नहीं है तो जैसा मैंने कहा वो यहाँ जाएगा नहीं जैसे एक पक्षी है आप पेड़ पे उसको बैठा दो और फिर जिस ब्रांच पे वो बैठी उसको काटने लगो और जब तक वो ब्रांच नहीं गिरेगा वो नहीं हटेगी क्योंकि उसको ब्रांच पे भरोसा है ही नहीं उसको पता ये रहेगा ना उसको अपने पंखों पे है कि वो जैसे ही गिरेगा मैं उड़ जाऊंगी एक सॉन्ग अगर आप प्लीज उस पर हम एंड कर सकते हैं सेशन को हाँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हाँ, प्लीज मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है